हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो यार, एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आ गया हूँ मैं, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे अमेजिंग व्यू फाइंडर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड, जिसको सॉल्व करने में काफी समय लग जाता है, काफी टाइम लगता है। एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 to 3 minutes एटलीस्ट ये आपसे ले लेगा, लेकिन इजीली हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ मस्त तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, आप एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को आपके सामने है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी इक्वल to half of the escape velocity from the surface of earth. अच्छी बात है। The ball rises to a height h above the surface of earth. If the r is radius of earth, then what is the ratio of h by r? मतलब you have to calculate the ratio of h by r. Generally वो height पूछता है, but उसने यार ratio पूछ लिया तो no problem at all. देखो, उसने बोला है कि ये earth है, suppose करो ये earth है आपके पास, है ना, ध्यान से समझो आप, ये earth है, इसकी radius r है, इसका center है, तो एक ball है, ये एक ball है जो earth के surface से ऊपर को उसको फेंका गया, और उसने बोला इस ball को जिस velocity के साथ फेंका गया वो escape velocity की half है। ठीक है ना, वो एस्केप वेलोसिटी की हाफ है। एस्केप वेलोसिटी वो होती है जिसके साथ फेंकने के बाद बॉल वापस नहीं आती, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, वो बोल रहा है कि कितनी हाइट पे ये चली जाएगी, है ना, उसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है, दैट इज एच, यानी द बॉल राइजेज अप टू हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये बॉल को यहां से फेंकने के बाद किसी हाइट एच तक जाती है। ठीक है भाई, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब उसको फेंका गया किसी ऐसे वेलोसिटी के साथ जो एस्केप वेलोसिटी से हाफ हो, तो बताओ एच की वैल्यू कितनी है। और बेसिकली उसने पूछा है एच और रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो। देखो भाई, एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हो तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, 3 minutes एटलीस्ट लग जाएंगे आपको, लेकिन बेहतरीन तरीके से इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज वी फंडा फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन यूज हो कि अर्थ के सरफेस से किसी बॉल को इस तरीके से फेंका गया कि उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के कंपैरेटिवली कुछ दे रखी है और हाइट वगैरह पूछे, तो हाइट इज इक्वल टू होती है दोस्तों एन स्क्वायर ओवर 1 - n² इनटू आर। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और अपना क्वेश्चन उड़ा देना है। तो बस क्या करना है, इसमें एन की वैल्यू पुट करनी है। तो सर एन क्या होता है, एन यहाँ पे लेना है जिस वेलोसिटी के साथ भी आपने उसको फेंका है, जो वेलोसिटी आपको दे रखी है, है ना, वो एस्केप वेलोसिटी के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। और एन यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 2/3, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना दे रखा, देखो वी ई को अलग कर दो और VE के मल्टीप्लाई में 1/2 देख सकते हो आप, यही N की वैल्यू है, बस यही आपने समझना है। और ये N यहाँ से उठा देना है क्योंकि ये V जो होगी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होगी वो एस्क्वायर वेलोसिटी की N टाइम्स है, वो यहाँ पुट करना है। N आपको पता चल गया कैसे लेना है, VE के मल्टीप्लाई में जो भी होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो H की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। N की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, 1 - 1/2 इसका स्क्वायर कर दो इनटू आर, तो एच यू विल गेट हियर, दैट इज 1/4, और ये आ गया 1/4 - 1, दैट इज 3/4 इनटू आर, 4 से 4 कैंसिल, नाउ यू कैन सी एच आ गया आपके पास r/3, दिस इज योर आंसर अगर हाइट पूछे, लेकिन चूंकि रेशियो पूछ रहा है तो एच बाई आर इधर ले गए, तो ये आ गया 1/3 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बस आपने इस पे फोकस करना है और एन की वैल्यू देखनी है, वहां पे एन क्या ले, मतलब जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में कितने टाइम्स एन वहां पे दे रखा है, ये देखना है बस। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर गया, फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया, तो फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये था अमेजिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अमेजिंग क्वेश्चन और वी फंडा शॉर्टर के थ्रू हमने इसको क्रैक किया, अपने टाइम बचाया, यही मेन मुद्दे की बात होती है दोस्तों, आप टाइम कैसे बचा सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे क्रैक करके आ सकते हो। इसी तरीके की अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन अगर और सॉल्व करना चाहते हो और इसी तरीके की अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आप सीखना चाहते हो, तो यार हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा बैक टू बैक चालू है, उसके रजिस्ट्रेशन चालू है, उसमें एडमिशन चालू है, तो आप वहां पे एडमिशन जाके ले सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल आप ये डिसीजन ले और जल्दी से अपने आप को ज्वाइन करें, बेहतरीन ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, ओके एंड ऑल द बेस्ट।